उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बाल मजदूरों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार राजेश शर्मा, राजस्व टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की, जहां शहर में छापामार कार्रवाई कर दुकानों और होटलों पर काम कर रहे 25 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। तहसील मुख्यालय लाकर सूचना श्रम विभाग को इसकी जानकारी दी गई। परिजनों द्वारा आधार कार्ड दिखाने पर 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दुकानदारों एवं परिजनों को भविष्य में काम कराने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि 5 बच्चों को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। एसडीएम ने बाल श्रम अधिकारी को दुकानदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जो बाल श्रम के विरुद्ध जो शासन के आदेश हैं उनके विरुद्ध आज अभियान चला के पूरे शहर नगर में और मसवासी नगर में अलग अलग दुकानों पर देखा गया। बच्चे जो काम करते पाए गए उनको अपने पास यहाँ रख के उनके संबंध में जाँच कराई गई और जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनका मेडिकल करा के और बाल कल्याण समिति के सामने